इसराइल और हिजबुल्ला के लड़ाकों के बीच खतरनाक जंग छिड़ी हुई है। कुछ ही दिनों पहले इसराइल ने लेबनान में हवाई हमले किए थे, जिसमें 558 लोगों की मौत हो गई और 1835 लोग घायल हो गए। इसके बाद लेबनान ने भी इसराइल की तरफ रॉकेट दागे, जिसके जवाब में इसराइल ने फिर से लेबनान पर हमला कर दिया, जिसमें करीब 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं गाजा में भी इसराइल लगातार हमले करने पर उतारू है। ऐसे में दुनिया के कई देशों ने इसराइल को हमले रोकने का आह्वान किया है। अमेरिका और कनाडा में तो इसराइल के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। युद्ध विराम की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी। न्यूयॉर्क की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने तत्काल युद्ध विराम की मांग की और इजरायली हमलों को समाप्त करने की अपील की। इन लोगों ने गाजा और लेबनान पर इजरायली हमलों को नरसंहार बताया। इस दौरान हेलमेट और डंडों से लैस NYPD अधिकारी हाई अलर्ट पर खड़े थे और विरोध प्रदर्शन पर नजर रखे हुए थे। वहीं वॉशिंगटन DC के डाउनटाउन में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों प्रदर्शनकारी इसराइल को गाजा में नरसंहार रोकने और अमेरिका द्वारा इसराइल की आर्थिक मदद के विरोध में नारेबाजी करते भी दिखे। 24 सितंबर की रात व्हाइट हाउस से वॉशिंगटन पोस्ट मुख्यालय तक मार्च करने वाले प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, हैंड्स ऑफ लेबनान नाउ। इन प्रदर्शनकारियों ने गाजा से बेरूत तक हमारे सभी शहीदों को हम सलाम करते हैं के नारे लगाते हुए पश्चिम एशिया भर में पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त की। वहीं मॉन्ट्रियल में करीब 500 लोगों ने लेबनान में इजरायली आक्रमण और गाजा में नरसंहार के विरोध में मार्च किया। ओटावा में भी इजरायली हमलों के विरोध में लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। ये लोग फिलिस्तीनी नागरिकों के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। बता दें कि दुनिया भर के कई देश भी इजरायल को अब गाजा पर किए जा रहे हमले रोकने की अपील कर रहे हैं। वहीं इजरायल है कि हमले रोकने का नाम नहीं ले रहा है।